जो हमारी MRS की सोसाइटी की बैठक थी उसमें भी हमने ये किया कि जो जो इनके इक्विपमेंट्स कम थे या संसाधन कम थे उन कमियों को हम दूर कर सकें, प्लस उनको आते ही मरीज़ को यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट की सुविधाएं मिले और यहाँ से वो स्वस्थ। अरिहंत डायग्नोस्टिक्स बीके कॉल नगर पंचोली चौराहे के पास अजमेर, जहाँ बहुत ही कम रेट्स पर उत्कृष्ट मशीनों द्वारा कंप्लीट बॉडी चेकअप मिलता है विद एक्यूरेट रिपोर्ट। कॉल 7976961097। हॉस्पिटल में निरीक्षण किया, हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स से भी बातचीत करी, मरीजों से भी किस तरह की। यहाँ JLN हॉस्पिटल में आज हमने प्रिंसिपल साहब और अधीक्षक जी के साथ पूरा राउंड लिया है। हीट स्ट्रोक से संबंधित जो पेशेंट्स आए हुए थे, प्लस जो और मौसमी बीमारियों के पेशेंट्स हैं या और दूसरे हैं, उनके सब की हमने देखी है, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी है। हम हमारी पूरी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध करवा सकें। कल जो हमारी MRS की सोसाइटी की बैठक थी उसमें भी हमने ये किया कि जो जो इनके इक्विपमेंट्स कम थे या संसाधन कम थे उन कमियों को हम दूर कर सकें, प्लस उनको आते ही मरीज़ को यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट की सुविधाएँ मिले और यहाँ से वो स्वस्थ होकर घर लौटे। जो और छोटी मोटी कमियाँ हैं वो भी हम संबंधित विभाग को कह के, कुछ PWD को करनी है, कुछ इलेक्ट्रिकल विंग को करनी है, कुछ हॉस्पिटल इटसेल्फ को करनी है, वो भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर हम उन कमियों को दूर करें और जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर उपचार यहाँ पर मिल सकें। डूज एंड डोंट्स के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था IEC की व्यवस्था की है कि जो परिजन आ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं, वो भी उनको ये देखें कि हमें इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी जो हमारी मेडिकल की टीम है, अजमेर ही नहीं बल्कि अजमेर संभाग के सातों ज़िलों में हमने सारे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर्स के माध्यम से, मेडिकल टीम्स के माध्यम से ये प्रयास किया है कि हमारी टीम्स जो है मुस्तैद रहे राउंड द क्लॉक और किसी भी परिस्थिति में जो भी पेशेंट्स आता है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले, ये हमारी पूरी टीम का प्रयास है। अटेंडेंस रजिस्टर्स वगैरह भी आपने चेक किया, कुछ गैरहाजिरी वगैरह या कुछ मिली? कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो अभी उपस्थित नहीं थे, उनको अभी देखने की आवश्यकता है कि वो आज हाजिरी नहीं कर पाए या फिर आतंरा वो हैं उसमें, उनको हम नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। बायोमेट्रिक की व्यवस्था भी हमने कर रखी है और हमारा प्रयास है कि अनुशासन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ये सब मेंटेन रहे। ये पिछले 2 महीने में काफ़ी सुधरा है, समय समय पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है और यहाँ का प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है। प्रिंसिपल साहब खुद, सुपरिंटेंडेंट साहब, इनकी पूरी टीम, ये खुद भी अभी काफ़ी अलर्ट रहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि सभी लोग समय के ऊपर मुस्तैदी से आकर के अपना काम संपादित करें, क्योंकि ये चुनौती का समय है। चुनौती के समय में जो आम जन की हमारे से अपेक्षाएं हैं उनको हमें